सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिन के बाद जो है मैं कुछ और टाइप का वीडियो लेके आया हूँ, है स्टॉक से रिलेटेड ही। काफ़ी दिनों से मैं एक स्टॉक को वॉच कर रहा था, वॉच करते करते एक मीन्स पेनी स्टॉक था। पेनी स्टॉक डायरेक्टली मैं जल्दी प्रमोट नहीं करता हूँ, भरोसा नहीं है आगे जाएगा नहीं जाएगा। पैसे डूब गए तो कल आप लोग क्या बोलोगे, यार मैंने सर का वीडियो देखा लेकिन लॉस हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का किसी का लॉस हो, इसीलिए मैं आपको चुन के ही जो है स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। वैसे अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में अगर कुछ अच्छा मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखता है तो मैं उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूँगा जो कि जिसका हाई जो है 600 प्लस था, बट उस कंपनी के ऊपर एक केस हो गया और केस के चलते जो है उसके स्टॉक्स जो है 8 से 9 रुपए रेट तक आ गया था। और मैं अगर बात करूँ, पिछले 8 दिन पहले से मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, तभी 22 रुपीज़ 80 पैसा समथिंग चल रहा था। धीरे धीरे 22 रुपीज़ 80 पैसे से बढ़ते 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 और 27 पे आया। मैं बाय करने वाला था 23-24 के पास, तो मुझे बाय करने मिला नहीं। एक्चुअली मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ट्रेड करते समय पे मुझसे वो दिमाग से उतर गया पूरी तरह। और उसके बाद जब मुझे याद आया तब तक मार्केट क्लोज हो चुका था और उसका रेट जो है हाई उसने 27 रुपीज़ का किया। अब नेक्स्ट डे वापस वही स्टोरी, सुबह उठा, उठते साथ ही वो स्टॉक लेना था, रात भर याद था, मॉर्निंग में उठा तभी याद था, मार्केट खुलते साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी भागदौड़, चलो बाय करना है, सेल करना है, पुट लेना है, कॉल लेना है। तो वही स्ट्रैटेजी के पीछे जो है मेरा टाइम निकल गया और मैं उस चीज़ को भूल गया। अब जब मैं उसको मार्केट क्लोज होने के बाद में चेक करता हूँ तो 30 रुपीज़ के अप्रॉक्स वो था। नेक्स्ट डे मुझे वो मिल गया 30 रुपये 35 पैसे के रेट में, मैंने 1000 स्टॉक्स परचेज किया हूँ। आज उसका रेट जो है 37 रुपीज़ 50 पैसा चल रहा है। खाली 3 दिन हुआ रहेगा, आज आई थिंक 3rd डे है जब मैंने परचेज़ किया। 37 रुपीज़ 70 पैसे का हाई मारा था, अभी 37 रुपीज़ 50 पैसे में वो क्लोज हुआ है। अप्रॉक्स 77,000 रुपीज़ के आसपास मैंने प्रॉफिट किया। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे और स्टार्ट करते हैं। बताता हूँ मैं वो स्टॉक कौन सा है, किस स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक का जो नाम है PC ज्वेलर्स लिमिटेड, जिसके अगर मैं बात करूँ 89 आउटलेट्स हैं 71 सिटीज़ में। अगर मैं उसके हाई और लो की बात करूँ तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में 35 रुपीज़ 50 पैसे में क्लोज़ हुआ है। अगर इसका हाई एंड लो में बात करूँ, एक हफ्ते में इसने 40% का ग्रोथ दिया है और मार्केट जो है स्मॉल कैप में है और इस समय पे ओवरबॉट जोन में है, इट मींस और रेट इसके जो बढ़ने के चांसेस है। तो हम डायरेक्टली इसके जो फाइनेंस के बारे में चेक कर लेते हैं। फाइनेंस के बारे में अगर मैं इसके बात करूँ तो इसके जो 2012-13 से अगर चेक करें, उस समय पे कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रही थी, काफ़ी अच्छा इनका जो रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था। बट जो मैंने आपको बताया था, इस कंपनी के ऊपर एक केस हुआ था 2018 के आसपास, तब इसका जो स्टॉक रेट है गिरने चालू हुआ था, लोगों ने सेल करने चालू कर दिया था। 18-19-20 में इसका काफ़ी लॉस हुआ था। अब अगर 21 में बात करें तो 21 में आने के बाद में ये जो कंपनी ने वापस से थोड़ा अपने अंदर स्टेबिलिटी लाया है, प्रॉफिट भी जनरेट किया है इस लास्ट ईयर में और अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, तभी इसके स्टॉक के जो रेट है 13-14 रुपया जो है 3 से 4 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर इसका ग्रोथ हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में तो मीन्स केस जो है, केस का जो फेवर में बता रहा था, तो केस इनके फेवर में आ चुका है, आने की वजह से आज इनमें जो ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें करंट इनके जो एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो वो भी आप चार्ट में देख सकते हो। एसेट्स जो है थोड़े कम हुए हैं बट लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी इनके ऊपर से कम है। और अगर नेट चेंजेस इन अकाउंट के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा कैश फ्लो भी इनके पास दिख रहा है, ठीक ठीक, यानी कि 50-50 है। मैं प्रॉफिट कमाया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा, कुछ कैलकुलेशन भी मैं बताऊँगा कि मैंने कितने में लिया था। एक्चुअली मैं 30 रुपीज़ 35 पैसे में लिया हूँ और अभी प्रेजेंट में जो रेट मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर भी एक बेसिक सा कैलकुलेशन अगर हम करके चेक करते हैं, जो कैलकुलेशन मार के दिखाता हूँ, तो मैंने 30,000 रुपीज़ 350 जो है इसमें इन्वेस्ट किया था और 35 रुपीज़ 70 पैसा जो हाई मारा है, 35 रुपीज़ 40 पैसे के बारे में मैं कैलकुलेट किया था।
जब देख रहा था उस समय पे 37 रुपीज़ 40 पैसा रेट चल रहा था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 7,050 रुपीज़ जो है अभी तक आज का मार्केट जब क्लोज हुआ तब तक इतना जो मैं प्रॉफिट में यहाँ पे था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, आपका एक एक लाइक जो है ना हमें बहुत मोटिवेट करता है, और जो मोटिवेट होने के बाद में एक और हमको इच्छा जागती है कि हम आपके लिए और कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा ढूंढ के लाएं। तो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और लाइक ज़रूर करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक करना लेकिन करना। वैसे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में, कमेंट करके मुझे बताइए, तो वो हिसाब से मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे, जैसे निफ्टी में आता है तो मैं निफ्टी के कॉल्स मॉर्निंग में लेके आऊँगा, यानी कि कॉल्स नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो मैं इस चीज़ को कॉल नहीं बोल सकता हूँ। मैं एक आपको जो है एजुकेशनल कॉल दे सकता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।